लोकसभा चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। इस प्रकरण को एक महीना हो चुका है और राहुल गांधी भी अब इस बात पर अड़े हैं कि वो अब अध्यक्ष पद पर नहीं रहेंगे। इस स्थिति के बाद पूरे देश में कांग्रेसियों ने राहुल को मनाने की हर संभव कोशिश की, जो नाकाम रही। राहुल गांधी के मसले पर झारखंड कांग्रेस में भी उहापोह किया आलम है। वजह है विधानसभा का चुनाव। झारखंड कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राजेश ठाकुर ने इस मसले पर साफ कहा है कि जल्द इस प्रकरण का निराकरण होना चाहिए। लगातार उनसे अनुरोध कर रहे हैं और हम लोग बहुत जल्दी इस बात का समाधान चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ चुनाव है और हम चुनाव के मद्देनजर चाहते हैं कि जो भी इस तरह की परेशानियाँ आ रही हैं उसे दूर किया जाए। और ऐसी स्थिति में, अनिर्णय की स्थिति में निश्चित रूप से दिक्कत आ रही है और कल हमने मीडिया कमेटी की बैठक बुलाई है और उसमें हम लोग मिलकर के तय करेंगे कि अब आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए और हमको किस तरह से दबाव बनाने के लिए कि राहुल गांधी जी हमारे अध्यक्ष बने रहें, और अगर वो नहीं रहते हैं तो उनको खुली छूट दी जाए कि वो किस तरह से पार्टी का रीस्ट्रक्चर कर पाएं। राहुल गांधी का कांग्रेस अध्यक्ष पद पर नहीं रहने की बात से कांग्रेस उबर नहीं पा रही। हाल ही में यूथ कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने राहुल से मुलाकात की थी, जिसमें झारखंड से यूथ कांग्रेस के नेता राजेश सिन्हा सनी भी मौजूद थे। इन्होंने बताया कि सब ने राहुल गांधी को पार्टी का नेतृत्व करते रहने का आग्रह किया था। यूथ कांग्रेस के नेता मानते हैं कि स्थिति स्पष्ट होना कांग्रेस के लिए बेहतर होगा। इस तारीख को पूरे देश के नौजवान हमारे आदरणीय अध्यक्ष केशव चंद यादव जी के नेतृत्व में राहुल जी के आवास पे पहुँचे थे, हजारों की संख्या में निवेदन करने के लिए कि हमारे नेता जो है वो आप ही हो और राहुल गांधी जी आप अध्यक्ष बने रहे। और चूंकि हमारे राज्य में चुनाव होना है झारखंड में, तो इसलिए हम लोग भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द स्थिति जो है वो स्पष्ट हो। झारखंड में एक और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर पार्टी दो गुटों में बटी हुई है। दूसरी ओर राहुल गांधी के प्रकरण ने झारखंड कांग्रेस के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को पशुपेश में डाल दिया है। ऐसे में झारखंड जहां विधानसभा का चुनाव होना है वहां कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। कैमरामैन उमेश के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूज 11 रांची।